Now, fourth question. A block of mass 10 kg rests on a horizontal floor. The acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. The coefficient of static friction between the floor and the block is 0.2. A horizontal force of 10 newton is applied on the block. The magnitude of force of friction in newton on the block is. आपको आंसर फिल करना है वर्चुअल की वो की आंसर आपको आंसर फिल करना है इस क्वेश्चन में. देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया क्या हुआ है कि एक आपका सरफेस है जिस पर आपका 10 केजी का वजन रखा हुआ है 10 केजी का मास रखा हुआ है और उस बॉडी पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और आपसे पूछा है कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फिल करना होगा. देखिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल लेकिन 99% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी. देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे फ्रिक्शन का फॉर्मूला रख लेते हैं. फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर एन और आर एन आपका क्या हो जाता है एमजी के बराबर हो जाता है म्यू एमजी. इस फॉर्मूले को बच्चे याद रखते हैं. फ्रिक्शन फोर्स पूछा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करते हैं म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 मास की वैल्यू दे रखी है इसमें 10 केजी और जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 और इसे सोल्व करके 19.62 न्यूटन का आंसर निकाल देते हैं और यहाँ पर 19.62 फिल कर देते हैं जो आपका गलत होता है. इसमें गलती क्या करते हैं देखिए गलती गलत क्यों है ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है म्यू आर एन ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो इस बॉडी पर लग सकता है. यहाँ पर उसने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं की उसने ये कहा है कि जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ तब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा. देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 19.62 है लेकिन जो बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन तक का लग रहा है मतलब कि जो बॉडी है अगर ये आगे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और मैक्सिमम कितना लग सकता है 19.62 मैक्सिमम फोर्स पीछे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो पीछे की तरफ 19.62 लग सकता है लेकिन ये मैक्सिमम है. आपने अगर बॉडी पर 10 न्यूटन का लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन का ही लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे. अगर आपने यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 12 न्यूटन का लगेगा. आपने 15 का कर दिया फ्रिक्शन फोर्स भी 15 का लगेगा. आपने फ्रिक्शन इसको बॉडी पर फोर्स लगा दिया 19 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी 19 का ही लगेगा. अगर आपने 19.62 से ज्यादा लगा दिया तो बॉडी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 19.62 ही लग सकता है इससे ज्यादा नहीं लग सकता. तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का ही जनरेट होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया फ्रेंड्स. अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स.